हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूल एयर साइकिल एनालिसिस के बारे में। ठीक है, सो बेसिकली जो फ्यूल एयर साइकिल होती है वो एयर स्टैंडर्ड साइकिल से डिफरेंट होती है। ओके, सो कुछ बहुत सी रीज़न है, ठीक है, लेकिन आज हम कुछ जो थोड़े मेन रीज़न उन पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट जो रीज़न है बेसिकली क्या होता है, वेरिएबल स्पेसिफिक हीट। एयर स्टैंडर्ड साइकिल में क्या होता है, जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू होती है वो कॉन्स्टेंट रहती है, लेकिन जो वेरिएबल फ्यूल एयर साइकिल है उसमें जो वेरिएबल स्पेसिफिक हीट होता है। अगर स्पेसिफिक हीट अगर वेरी होगा तो उससे एफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम देखते हैं। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ सी पी एंड सी वी इंक्रीज विद राइज ऑफ टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता है सी पी एंड सी वी की जो वैल्यू होती है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे सी पी की वैल्यू इतनी है और सी वी वो उसकी वैल्यू क्या है, इतनी 300 केल्विन पे। तो गामा जब निकालेंगे गामा क्या होता है, सी पी अपॉन सी वी। ठीक है, अगर हम 2000 केल्विन लें और उसके कॉरस्पॉन्डिंग सी पी एंड सी वी ये और गामा इज 1.2। सो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए जो गामा की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर 1.4 थी और यहाँ पर क्या होगी, 1.2। अगर गामा अगर डिक्रीज हो रहा है तो एफिशिएंसी भी क्या होगी, डिक्रीज होती है। ठीक है, बाय यूजिंग ऑफ दिस फॉर्मूला। दूसरा, अगर हम इसको ग्राफ से देखें तो कैसे देखेंगे, होता है क्या, बेसिकली जो वैल्यू जो होती है ना, टेम्परेचर एंड प्रेशर इज डिक्रीज बिकॉज हीट गोज टू मूविंग द मॉलिक्यूल्स। देखो, टेम्परेचर हम बढ़ा तो रहे हैं लेकिन वो टेम्परेचर कहाँ पर जाता है, मूविंग द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बेसिकली वो टेम्परेचर जो मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड को इंक्रीज करता है, वो जो पार्टिसिपेट नहीं करता प्रेशर जो है एक्चुअल में, जो हमारी जो एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में। ठीक है, वो यहाँ पर चला जाता है। तो उससे क्या होता है, जो 2 के बाद क्या होता है, जो 3 डैश है वो क्या है, फ्यूल एयर साइकिल क्या है, वो 3 पर नहीं पहुंच पाता, जो कि क्या है, एयर स्टैंडर्ड साइकिल या फिर आइडियल साइकिल है। उससे क्या होता है, 3 डैश के बाद वो 4 डैश पे जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाए, थोड़ा बहुत लॉस। ठीक है, ओके, तो इससे क्या होता है कि लेस वर्क आउटपुट, इस वाले केस में क्या होता है, जो वर्क आउटपुट होता है वो हमें कम मिलता है एज कम्पेयर टू आइडियल साइकिल। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ग्राफ से भी हम इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, हमें 3 डैश की वैल्यू फ्यूल एयर साइकिल के कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, ये आइडियल है और ये फ्यूल एयर साइकिल है। ठीक है, दूसरा क्या है, डिसोसिएशन। डिसोसिएशन में बेसिकली सेम ही है, इसमें क्या होता है, टेम्परेचर और प्रेशर ये आपकी बार कहाँ पर जाएगा, वो डिसोसिएट कर देता है किसको, जैसे CO2। ठीक है, CO2 को किस में डिसोसिएट कर देता है, CO+O2। तो टेम्परेचर कहाँ पर जा रहा है आपकी बार, CO2 को डिसोसिएट करने में। इसको भी हम ग्राफ से अगर देखें, 2 डैश 2 के बाद कहाँ पर हम जाते हैं, 3 डैश। ठीक है, हम 3 पे नहीं जा रहे हैं, 3 जो पॉइंट है वो क्या, आइडियल साइकिल का है। ठीक है, तो हमारा जो टेम्परेचर अगर यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है तो प्रेशर की वैल्यू भी डिक्रीज होगी और प्रेशर हमें अचीव नहीं कर पाएंगे हम। लेकिन इसमें 2 केसेस हैं, 3 डैश के बाद 4 डैश पे पहुँच सकता है या फिर 3 डैश के बाद 4 डबल डैश। बेसिकली 2 प्रोसेस है, कौन से, ये वाला जो फर्स्ट जो प्रोसेस है वो बेसिकली क्या है, एसोसिएशन का है। इसमें क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल जो डिसोसिएट हुए हैं वो दोबारा से कंबाइंड हो जाएंगे और उसमें हीट लिबरेट होती है। ठीक है, ये वाला जो है 3 डैश से 4 डबल डैश, इसमें क्या होता है, एसोसिएशन नहीं होता, सिंपली कहाँ पर हम यहाँ पर जाते हैं। आप देखोगे इस वाले केस में, इसके कंपैरिजन में, ठीक है, वो वर्क आउटपुट ज़्यादा है, ठीक है, एसोसिएशन में। लेकिन अगर हम दोनों की बात करें, वो आइडियल साइकिल से तो हमेशा क्या है, कम ही है। ठीक है, सो आउटपुट वर्क एंड एफिशिएंसी इज डिक्रीजेस। दोनों केस में आइडियल साइकिल से अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो दोनों की जो वैल्यू होगी, आउटपुट वर्क एंड एफिशिएंसी, वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तीसरा क्या है, इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। अगर आप मोल्स की वैल्यू अगर इंक्रीज करोगे, नंबर ऑफ मोल्स, तो ये डायरेक्टली किस पे इफेक्ट डालेगा, पी प्रेशर पे। तो इससे क्या होगा, आउटपुट जो वर्क है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, अगर मोर नंबर ऑफ मोल्स मोर प्रेशर। ओके, दूसरा क्या बोल सकते हैं, कंपोजिशन ऑफ गैसेस का। ठीक है, मींस आफ्टर द कम्बशन बिफोर द कम्बशन। ठीक है, जो एयर फ्यूल का जो रेशियो होता है वो भी किस पे इफेक्ट डालता है, फ्यूल एयर फ्यूल साइकिल पे। ठीक है, सो वेरिएबल स्पेसिफिक हीट फर्स्ट पॉइंट, सेकंड क्या था, डिसोसिएशन, और तीसरे में क्या था, इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स या फिर कंपोजिशन ऑफ गैसेस। तो ये क्या करते हैं, इनकी वजह से क्या होता है, फ्यूल एयर साइकिल जो होती है वो क्या होती है, अलग होती है किससे, एयर स्टैंडर्ड साइकिल से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।